वाहिगुरु जी पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा गुर की कीरत दूसरे सात श्लोक उचार जाके सुने अधैन ते होए त्रिपताप प्रहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत गुरु जना उते चरणा उते अते विद्यार्थीगण आप समूह रब दे प्यारे नित्ता प्रति सारग तावली दी एक कथा या कह लो विचार श्रवण करते हो। अज ये दूजा अध्याय आरंभ हो रहा है सारक तावली का, जिस विच गुरु की वडियाई बयान करते हैं। गुरु की वडियाई की है, किवें गुरु जन की सेवा करनी है, किवें उन्होंने ज्ञान लेना है, तो गुरु पातशाह की बख्शिश गुरु जना की विद्वाना की महापुरशा की उस्तादा की ये कह लो बख्शिश ही सिख का बेड़ा पार करती है। आओ श्रवण करिए जी। दोहरा गुर की कीरत दूसरे सात श्लोक उचार। इस ग्रंथ के कर्ता हैं विद्वान जन हरदयाल जी। वो बयान कर दे गुर की कीरत दूसरे, दूसरे इस अध्याय विच गुरु दी वडियाई बयान करदे हन। जाके सुने अदैन ते होए त्रिपताप प्रहार। इस वडियाई विच सात श्लोक उचार, सत श्लोक उचारणगे, सत श्लोक उचारण करके गुरु दी वडियाई करनगे, दसणगे। जिहड़ा इस वडियाई दे छंदा नूं सुनेगा, अध्ययन करेगा, हिरदे च वसावेगा ना इस वडियाई नूं, उहदे तीन ताप, तीन ताप केड़े हन? आद व्याद उपाद। गुरबाणी विच वी आउंदा ना तीने ताप, निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ते तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि उहदे खत्म हो जांदे हन। दोहरा दरब खर्च सत पात्र मैं जन्म जाए गुरसेव। सियाणा रब दा प्यारा कौन है, पंडित विद्वान कौन है? दरब खर्च सत पात्र मैं, पात्र कहिंदे अधिकारी, कि जिहड़ा माया है, धन दौलत है, पैसा है, वो योग अधिकारी, योग बंदा होवे, योग मनुख होवे, उहदी सेवा जिहड़ा खर्चदा होवे। हर सिमरन मैं चित जहे बहु पंडित श्रुत पेव। जन्म जाए गुर सेव, जिहदा सेव जिहदा जन्म गुरु दी सेवा दे विच लग जावे उहदा जन्म सफला है। जिहदा जन्म सेवा च नहीं लग्गिया गुरु पातशाह दी, साधु महापुरशां दी, साध संगत दी जां उस्ताद जना दी, उहदा जन्म भी व्यर्थ है। हर सिमरन मह चित जिहे, जिहदा मन रब दे सिमरन विच जुड़िया होया है, लीन है, भाव दिन रात उहदी याद, अकाल पुरख दा शुकराना जिहड़ा करदा रहिंदा है, वह पंडित श्रुति भेव, श्रुतियां दा, वेदां दा, शास्त्रां दा, धर्म ग्रंथां दा वो ज्ञाता है, उस बारे जानदा है। असल विद्वान ओही है, वह पंडित कहिंदे पंडा प्लस इत, तीक्षण बुद्धि वाला, वह तीक्षण बुद्धि वाला सियाणा है। गुरबाणी बयान करदे सो पंडित जो मन पर बहुत है, वह पंडित है जिहड़ा अपने मन नूं ज्ञान देंदा है। ऐसा वह पंडित विद्वान जन विद्या दे कुजे भेद नूं जानन वाला है। चौपाई पूछै गुर ते सोभ सिख तद पर। सिख नूं की करना चाहिदा है? सिख भावे कितना भी कह लो विद्वान बन जे, पर अपने गुरु तो पुछदा रवे। गुरु सामने तो कह लो जिवें कह लो सूरज सामने दीवा जगाना, गुरु सूरज ते सिख दीवा भी नहीं, दीवा भी ना समझे अपने आप नूं। गुरु सामने तो कुछ नहीं, बस पातशाह जी असी तो कुछ नहीं हाँ। पूछे गुर ते सुख शुभ सिख तद्दब। जे सिख विद्वान भी होवे, जानन वाला भी होवे, फिर भी अपने गुरु तो पुछता रवे।
पूछी जावे दसो गुरु जी इहदा की अर्थ है, इहदे बारे दसो, इहदे बारे ज्ञान पाओ, कोई पता भी है ना कि गुरु साहब होर अर्थ खोल देंदे हैं, संत महात्मा उस्ताद जन उहदे कई तो कई अर्थ खोल देंदे हैं, डूंगे भेद बयान कर देंदे हैं। ज्ञानवान होवै निज यदप, यदप जे भी जेकर जेकर गुरु का सिख जा सिख शिष्य ज्ञानवान भी होवे, जानन वाला भी होवे, पर फिर भी अपने गुरु तो पुछदा ही रवे। गौर निश्चय जुत बचन तरे जब, जदों गुरु दे बचना उते निश्चय कर लवे, गुरु दे बचन उस्ताद दे बचना उते यकीन कर लवे, भरोसा कर लवे, देह सिख को परम शांत तब, उदो गुरु उस्ताद जन महापुरश ओनू परम शांति दी अवस्था बयान कर दे, भाव हिरदे ठंड पा रहे हैं, सहज अवस्था प्रदान करते हैं। कोटक छंद गुर कीरत को अप्रोख करे, इस छंद विच महिमा बयान करते गुरु की महिमा की है, जो नीति दे बचन हैं। गुर कीरत को अप्रोख, अप्रोख होंदे प्रतख सामने, गुरु की वड्याई गुरु के सामने करे, लुकाओ छुपो ना करे, गुरु पातशाह के गुण सामने गावे उन्होंने, भी तुसी ऐसे हो बलिहारी पातशाह अकाल पुरख तन हो, वड्डे हो महापुरश हो, शांत रस वाले हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म शोत्री ब्रह्म निष्ठि हो, इस तरह गुरु की वड्याई गुरु पातशाह के सामने करे, वे उस्ताद जन हैं उन्होंने वड्याई वड्याई दे कल भुखे नहीं होंगे तो ब्रह्म स्वरूप होंगे हैं, पर उन्हां दी वड्याई उन्हां दे सामने करे। जस बांधव मीतन प्रोख रे, जस वड्याई अपने बांधव बंधु जना दा रिश्तेदारां दा मित्रां दी प्रोख, प्रोख कहिंदे पिठ पिछ पिछे, मित्रां दी रिश्तेदारां दी जां साख संबंधी वड्याई उन्हां दे मूँह ते ना करे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਦਾਸ ਜਸੈ ਕਰਮਾਤ ਗਹੇ, ਨੌਕਰ ਹੈ ਦਾਸ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਪੜ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਦ ਕਰਮ ਅੰਤ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਵੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਲਾ ਸੋਤਾ ਉਪ ਕਵੀ ਨਾ ਕਹੇ, ਹਾਂ ਅਬਲਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮੈ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤਾਜ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰਦਰ ਹਵੈ ਗੁਰ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਰਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਹੈ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੇਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪੀ ਨਰਕੇ ਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।